नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को नो इन शॉर्ट के एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं वाईफाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के ऊपर बात करने वाला हूं। दोस्तों हम जब भी कोई राउटर खरीद के उसको कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें हम लोग को तीन ऑप्शन देखने को मिलता है। एक है WEP, दूसरा है WPA एंड थर्ड है WPA2। ये तीन टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह से ये आपके वाईफाई नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है या फिर कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए, इसके ऊपर मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों बहुत सारे लोगों को इन तीनों टेक्नोलॉजी के बीच में क्या डिफरेंस है उसको पता नहीं, जिसके कारण वो लोग लो सिक्योरिटी वाले एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते रहते हैं, हालांकि उनका जो डिवाइसेस हैं वो हाई सिक्योरिटी वाले जो प्रोटोकॉल है उसको सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें ताकि आप भी जान पाए कि क्या आपको अपने सिक्योरिटी लेवल को इंक्रीज़ करना चाहिए या फिर कौन सा जो वाईफाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो आपको यूज़ करना चाहिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक डेटा किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। लेट्स से आपने एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके फ्रेंड को मेल किया है, ओके? आप अगर उसको उसी तरह से मेल कर देंगे, मतलब जिस तरह से आपने वर्ड में टाइप किया है उसी तरह से आप अगर उसको मेल कर देंगे तो हो सकता है कि नेटवर्क के बीच में कोई इंटरसेप्ट करके उसका कॉपी बना ले या फिर उस डेटा को पढ़ ले, जो कि आप नहीं चाहते हो। इसीलिए आप लोग एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो। तो एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी में आप जैसे ही उसको सेंड करोगे तो ऑटोमेटिकली जो एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी होगा वो अलग अलग एल्गोरिथम उस डेटा में रन करेगा एंड उसको एक एनक्रिप्टेड डेटा में बदल देगा। आप समझ सकते हैं, इस तरह से समझिए कि सपोज आपने एक लाइन लिखा है कि दिस इज ए टेस्ट एंड उसको अगर हर एक वर्ड को अगर अलग अलग करके इधर उधर करके लिख दें तो कोई उसको समझ नहीं पाएगा। तो इस तरह से उस डेटा को कन्वर्ट करके उसको नेटवर्क में सेंड किया जाता है ताकि अगर कोई उसको इंटरसेप्ट कर भी लेता है तो उसको वो क्या लिखा है उसमें वो इंटरप्रिट नहीं कर पाएगा। एंड जैसे ही वो डेटा जाके आपके फ्रेंड के पास पहुंचेगा तो जिस तरह से उसको चेंज किया गया था उसका रिवर्स प्रोसेस उसमें चलाया जाता है एंड उसको उस टेक्स्ट में बदल दिया जाता है। इससे क्या होता है, जब भी वो नेटवर्क में रहता है वो एक एनक्रिप्टेड टेक्स्ट की तरह रहता है एंड जब आपके फ्रेंड के पास पहुंचेगा तो वो सेफ पहुंच जाएगा एंड कोई उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह से एक डेटा को प्रोटेक्ट किया जाता है। अभी बात करते हैं WEP टेक्नोलॉजी के बारे में। WEP एक ओल्ड प्रोटोकॉल है जिसमें RC4 साइफर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है जो कि 40 बिट का है। तो जो लोग टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है उनको मैं सिंपली ये समझा देता हूँ कि आप ये समझिए कि जितना ज़्यादा बिट होगा उतना ज़्यादा ही आपका डेटा प्रोटेक्टेड होगा। इसीलिए किसी भी डिवाइस में आप अगर सिक्योरिटी के बारे में बात करते हो तो हमेशा हाई बिट वाले सिक्योरिटी को आप प्रीफर करें, इससे आपका डेटा जो होगा वो ज़्यादा सिक्योर होगा। क्योंकि इसमें खाली 40 बिट का एक टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता था तो वो सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए बहुत सारे केसेस हुए जिसमें कि डेटा को हैक किया गया या फिर डेटा को इंटरसेप्ट किया गया। बाद में चलते चलते WEP का एक एडवांस वर्जन आया जिसका नाम है WPA, जिसका फुल फॉर्म है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। इसमें 128 बिट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो नया टेक्नोलॉजी है उसका नाम है TKIP। तो जो TKIP का फंक्शन है उसको मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ। TKIP मतलब समझ लीजिए कि एक लॉक बॉक्स को एक दूसरे लॉक बॉक्स के अंदर डालने जैसा होता है। मतलब जो पहले WEP में डेटा को RC4 साइफर टेक्नोलॉजी यूज़ करके प्रोटेक्ट किया जाता था उसी को फिर TKIP प्रोटेक्ट करता था, मतलब डबल लॉक जैसा हो जाता था। लेकिन डबल प्रोटेक्शन होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें कि डेटा को हैक किया गया या फिर उसको इंटरसेप्ट किया गया था, इसीलिए एक हायर टेक्नोलॉजी जिसका नाम है WPA2 उसको लाया गया। इस टेक्नोलॉजी में 3 कीज़ का यूज़ किया जाता है, एक है 128 बिट का, दूसरा है 192 बिट का एंड थर्ड है 256 बिट्स का। तो आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि पहले केस में जो RC4 साइफर टेक्नोलॉजी यूज़ करके आपको डेटा को सेव किया जाता था, अभी उसमें 3 अलग अलग की से उसको लॉक किया जाता है। उसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। लेट्स से आपने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भेजा है अपने फ्रेंड को, तो उसको पहले 128, उसके बाद 192 एंड उसके बाद 256 जो की है वो अलग अलग तरह से एल्गोरिथम उसमें रन होगा एंड उसके बाद जो एनक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा वो आपके फ्रेंड को सेंड किया जाएगा। क्योंकि इसमें 3 अलग अलग कीज़ का यूज़ किया जाता है इसीलिए जो डेटा होता है वो बहुत प्रोटेक्टेड होता है एंड कोई अगर इंटरसेप्ट कर भी लेता है तो वो उसको इंटरप्रिट नहीं कर पाएगा कि क्या उसमें है या किस तरह का डेटा है, क्या उसमें लिखा गया है वो उसको नहीं पढ़ पाएगा, इसीलिए जो डेटा होता है वो बहुत सिक्योर होता है। तो इसीलिए आप भी अपने राउटर में देखें, अगर उसमें WPA टेक्नोलॉजी है तो डेफिनेटली आप उसको प्रीफर करें और उसको यूज़ करें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो डेटा होगा वो प्रोटेक्टेड होगा। और अगर आप WEP टेक्नोलॉजी को अभी भी यूज़ कर रहे हैं तो
आप उसको अवॉइड करें, क्योंकि WPA टेक्नोलॉजी अगर आप यूज़ करो तो आपका जो नेटवर्क है वो बिल्कुल सिक्योर नहीं है, कोई भी उसको इंटरसेप्ट करके आपका डेटा को पढ़ सकता है, उसको देख सकता है या फिर आपके वाईफाई नेटवर्क को यूज़ कर सकता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो वाईफाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के ऊपर आपको अच्छी लगी होगी। आप समझ गए होंगे कि WEP WPA एंड WPA2 के बीच में क्या डिफरेंस है या फिर कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो आपको यूज़ करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए जाने वाले चैनल आइकन को क्लिक करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ मेरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।